दुर्ग शहर निर्दलीय विधायक प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोनी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के विकास के मुद्दों को लेकर आम जनता के साथ जनसंपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से दुर्ग की राजनीति में सक्रिय रहे लंगूर सोनी ने मीडिया के सामने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। जनता के सामने मूलभूत सुविधा को जो है ना लेकर जा रहे हैं और दुर्ग शहर की जो जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनका जो काम नहीं हो रहा है, लगातार जनता जो है ना कांग्रेस और बीजेपी की तमाम नीतियों के जो विषय पर उनके खिलाफ जो हो रहा है कार्य, जनता के खिलाफ हो रहा है कार्य, उसको लेकर पूरा जनता जो है आक्रोश है और उसी का परिणाम जो है इस दफा परिवर्तन है। मूलभूत सुविधा जो है पानी बिजली और रोड नाली साफ सफाई तमाम सुविधा जो है आज शहर में जो है ना एक आलम पड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं गरीब जनताओं के साथ जो है ना भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है। जो योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए, वर्तमान विधायक जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वर्तमान विधायक जो है इस दफा जनता मन बना चुकी है परिवर्तन। विधायक इस प्रकार का चाहते हैं कि मतलब अच्छे से हो। हम लोग 10 बार चक्कर काटते जैसे नगर निगम में, वहाँ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होती है ना। इसी वजह से हम लोग लंगूर भैया को आगे में लाना चाहते हैं क्योंकि उनसे स्पष्ट बात कर सकते हैं, उनको जानते हैं जिस है कि नहीं भैया। इसीलिए हम उनको सामने किए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, इसीलिए हम लंगूर भैया को आगे किए हैं जी। हम लोग जैसे हमारे लंगूर भैया हैं वैसे विधायक चाहते हैं। लंगूर भैया के बारे में बहुत सुने हम लोग, है ना, मोहल्ले में वार्डों में गए हैं तो बताए हैं सभी लोग कि लंगूर भैया है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और आगे भी भैया ही हमारे साथ में ऐसे काम करते रहें और करेंगे आगे। इसलिए हम लोग भैया को आगे लाना चाहते हैं विधायक के। हम लोग जैसे रोड है, बहुत सारे रोड है ख़राब है सर, है ना, रोड है, जैसे नाली है, पानी की भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीज़ बोले हैं लंगूर भैया, ध्रुव भैया, ध्रुव कुमार लंगूर भैया बोले हैं कि सबकी सुविधा हम करेंगे करके और कर भी रहे हैं। अभी विधायक नहीं उसके बाद भी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही विधायक चाहते हैं।